अगर आप थंबनेल देख के सिर्फ गाना सुनने आए हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है वीडियो बंद करने की, तो एक काम कीजिए, आप इस टाइम पे चले जाइए। और अगर आपको उससे भी ज्यादा जल्दी है वीडियो बंद करने की, तो पहले मूत के आ जाइए, हक के आ जाइए, जिस चीज की जल्दी है वो करके आ जाइए, जो काम करना है कर ले, उसके बाद वीडियो देख लेंगे। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो शुरू करते हैं आज की बकवास। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपका हर टॉपिक पे सबसे ज्यादा देर से वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर, जो हर वक्त यही कहता रहता है कि अपना टाइम आएगा। आज हम एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत भी रोने धोने से होती है और खत्म भी रोने धोने से होता है। ना ना ना, शादी ब्याह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कि जिसमें शुरुआत में शादी वाले दिन दुल्हन रोती है और उसके बाद सारी जिंदगी दुल्हन होता है, ना हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं स्कूल लाइफ स्लैश कॉलेज लाइफ स्लैश यूनिवर्सिटी लाइफ स्लैश फक्ड लाइफ के बारे में। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एंटर होते हुए बच्चा अपनी माँ से बिछड़ने की वजह से रोता है, लेकिन इस टाइम पीरियड के खत्म होने पर बच्चा अपने दोस्तों से बिछड़ने पर रोता है। आज मुझे जितनी बकवास आती होगी मैं कर दूंगा, लेकिन मसला ये है कि ये लाइफ बहुत लंबी है, इसलिए एक वीडियो में पूरी नहीं आएगी। तो ये पार्ट वन है जिसमें हम बात करेंगे टीचर्स की, स्पेशली टीचर्स की। लेकिन उससे पहले मुझे कोई ये बताओ कि हम स्टूडेंट्स की कोई अपनी लाइफ नहीं होती, हमें और कोई काम नहीं होता। सुबह उठ के कॉलेज जाओ, कॉलेज से वापस आके फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाके पढ़ो, ट्यूशन से वापस आके फिर पढ़ो, और फिर पढ़ के फिर सो जाओ, सुबह उठ के फिर कॉलेज चले जाओ, और फिर कॉलेज जाके बहाने बनाओ कि हम ट्यूशन गए हुए थे इसलिए होमवर्क नहीं हुआ, और फिर ट्यूशन जाके बहाने बनाओ कि हम कॉलेज गए हुए थे इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। हम बच्चों की कोई जिंदगी है कि नहीं है यार? कितना पैसा खाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टिपिकल माइंडेड टीचर्स की, जिनके दो डायलॉग्स पक्के होते हैं। बेटे होमवर्क किया? नहीं सर, होमवर्क तो नहीं किया। क्यों होमवर्क क्यों नहीं किया? खाना खाना बोलते हो कभी? ले, खाने का होमवर्क से क्या ताल्लुक है? और दूसरा डायलॉग उनका ये होता है, बेटे 10 दफा पूछो 10 दफा बताऊंगा, 100 दफा पूछो 100 दफा बताऊंगा, जब समझ नहीं आ रही पूछ लेना बता दूंगा। लेकिन जब भी उनसे 3री दफा पूछ लो ना, तो उनका ये जवाब होता है, गेट आउट ऑफ माई क्लास रूम, सर आई एम गोइंग आउट ऑफ योर क्लास, आई एम गोइंग टू कैंटीन। क्यों कैंटीन क्यों जा रहे हो? बाहर निकालो। क्योंकि सर कैंटीन की जो चाय है ना, दैट इज फैंटास्टिक सर। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अब ज्यादातर ना इंग्लिश का टीचर एक खड़ूस मोटा सा बंदा होता है, जो क्लास में एंटर होता है तो पहले तोंद अंदर आती है, उसके बाद बंदा खुद अंदर आता है। नहीं वैसे आजकल सारे टीचर्स की ऐसे ही तोंद निकली हुई है। और पहले जमाने में लिखने का काम क्लास 5 तक मिलता था, चलो मान लिया क्लास 6 तक मिलता होगा, क्लास 8 तक भी चलता था, लेकिन 11th पागल हो गए हो अन्नी दे, मजाक है। मतलब कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 2, 69 तक सारे क्वेश्चन अपने घर से करके लाने, या नहीं तो 100 दफा करने पड़ेंगे। यार 11th क्लास है यार, कौन देता है 11th क्लास में इस तरह काम? यार भाई बात ये है, लिखने से जो है ना याद जाता है, याद घंटा याद होता है, लिख लिख के पागल हो जाओ, फिर आखिर में एग्जाम के टाइम तुमने की बुक खोल के उसमें से तैयारी करनी है, और वहाँ से भी याद ना हो तो एग्जाम में अपनी पिट्टी के नीचे की बुक रख के बैठ जाओ चीटिंग के लिए। बहुत ज्यादा बात है ना, छोड़ो मुझे। जितने भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश करने का ठेका उठा रखा है। मैंने नहीं किया। अरे आप गेस करो मैंने क्यों नहीं किया। अब यही बात अगर कोई असली जिंदगी में कोई बच्चा अपने टीचर से बोले तो टीचर सोच में जरूर पड़ जाता है, लेकिन इस सोच में कि इसको सस्पेंड कैसे करवाना है, ना कि इस सोच में कि इसने होमवर्क क्यों नहीं किया हुआ। अब इस दुनिया का हर टीचर यही सोचता है कि आजकल के बच्चे बड़े खराब हो गए हैं, टीचर छोड़ के हर बुजुर्ग के दिमाग में ये बात चल रही है कि जनरेशन ही सारी खराब हो गई है नई वाली। लेकिन हमें जब उर्दू की गजलें पढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हालत उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में शायर अपनी महबूबा के होंठों की नाजुकी बयान करते हुए कह रहा है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नाजुक है जैसे कोई गुलाब की पत्ती होती है। ना इससे बच्चे खराब नहीं होते, शायर ने अपने महबूबा के नाजुक लबों का अचार डालना है, उसको अपने महबूब के लबों से मोहब्बत नहीं है, बस वो होंठ ऐसे लाल लाल गुलाब की पत्तियों की तरह लग रहे थे जैसे कोई बबून की पिट्ठी होती है। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। हमारी सारी जिंदगी गुजर गई कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमने आज तक क्या पढ़ा? डॉस, GW बेसिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फैमिली फ्रेंडली चैनल है, लेकिन मैं आज ये बात बोल दूंगा कि मिलेना डॉस, विंडोज आ गई, iOS आ गया, एंड्रॉइड आ गया, वो पढ़ाओ। सारी जिंदगी गुजर गई कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक यही नहीं पता लगा कि कस्टम पीसी कैसे बिल्ड करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स डलते हैं कंप्यूटर में। ना आज तक किसी ने एक्सेल पढ़ाया हमें, वही पुरानी 1900 पत्थर वाली 1980 वाली किताबें पढ़ाई जा रहे हैं, इसमें स्टोरेज डिवाइस के नाम पे होती थी 212 MB वाली फ्लॉपी डिस्क। एक काम करो, एक फ्लॉपी डिस्क लो और जिस्म के किसी भी सुराख में घुसेड़ लो। फ्लॉपी डिस्क छोड़ो, अब तो USB पेन ड्राइव वाला जमाना भी जा रहा है आहिस्ता, ऑनलाइन सारा कुछ ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें हम किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम ही ऐसा है। एक मजे की बात बताऊं, हम अपने कंप्यूटर साइंस के टीचर को डब्बा बुलाते थे। #NoOffense सॉरी सर।
मैथमेटिक्स में पढ़ाते तो सब कुछ सही है, लेकिन इसमें एक गलती होती है कि उसका टीचर में कोई ना कोई खराबी होती है। कभी उसका ग्राफिक्स कार्ड हाई है तो उसका प्रोसेसर लो लगा हुआ है, अगर उसका प्रोसेसर हाई वाला लगा हुआ है तो उसका ग्राफिक्स कार्ड लो है, एंड वाइस वर्सा। टीचर लैग ही होता रहता है, पछता रहता है बीच बीच में, जिनको समझ आ गई है ठीक है, नहीं समझ आई तो मेरी गलती नहीं है, गेमर लोग समझ गए होंगे मेरी बात। और टीचर ऐसे पछता है कि अरे इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओ नहीं, ओ नहीं, गलती होगी। हाँ जी बच्चों, तुम्हें पता है मेरे 10th में कितने अच्छे रिजल्ट आया था? खास तौर पे मैथ का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। सर यार ऐसे ना बोले सर, मेरा भी मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। वो 10th वाले का मैंने अचार डालना है, आगे की बात करो, पिछली बातें क्यों करते हो? पर सर मैं तो इसलिए बता रहा था कि पहले आपने बताया था। नहीं मैं क्या करूँ 10th के रिजल्ट का, बातें कर रहे मेरे साथ आग तू। सर ये तो मेरा वाला डायलॉग है। यार जब मैं कल तेरे पेरेंट्स को बुलाता हूँ, आगे का तू पढ़ता नहीं, पिछले मार्क्स तो बताता रहता है मैथ्स के। सर बुलाने उन्होंने भी आपकी बिस्ती मारनी, आके बुला ले मेरा क्या। अब जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना यार, मैं तुम लोगों का दुख समझ सकता हूँ यार, मैं खुद इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ यार, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खुद के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है इसमें। ये वो वाइड सब्जेक्ट है जिनकी मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आई। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए कतई तारे जमीन पर वाली फीलिंग आ रही होती है, लफ्ज उड़ते उड़ते कहीं जा रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है वो सर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, और हम अपनी अपनी बंदियों के सोचों में गुम है। और बायोलॉजी जो मैंने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यार बायो वालों कभी तो बाहर भी निकल आया करो क्लास से, ब्रेक तो ले लिया करो बीच में, ब्रेक में बैठ के भी क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हो, घुसे किताबों के अंदर, माना करो यार तरस आ रहा होता तुम लोगों पे। और जितने भी ये तारे जमीन पर वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इनका ये हिसाब है कि समझो मैडम अपना पढ़ा रही हैं। When we are choosing sulfate with varan nitrate, it will produce an acidic product which can cause acidity in your stomachs। हाँ मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बस कोई सवाल ना पूछना। पढ़ाइच? हाँ मैडम। इस सवाल का जवाब दो। मैडम गुड क्वेश्चन, मैडम गुड क्वेश्चन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? गेट आउट ऑफ माय क्लास अरे। और जिस जिसने नहीं पढ़ना वो भी साथ चला जाए। चलो भाई फसी मोई जरीब हमजा सारे मिलके बाहर चलते हैं, मैडम ने कहा जिसने नहीं पढ़ना चलो। बाय मैडम। अब जितने भी मेरे क्लास वाले ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी बोलती जरा टीचरों के सामने बंद रखना, और अगर कोई टीचर देख रहा तो सर मजाक के लिए बनाई है वीडियो, इसमें सीरियस लेने वाली कौन सी बात है, अभी सस्पेंड तो नहीं कर सकते इस बात पे मुझे। अब मैं पूरी की पूरी जिंदगी तो नहीं बता सकता स्टूडेंट्स की, इसलिए तैयार हो जो जिस चीज का थंबनेल तुम लोग देख के आए थे, जिस चीज का तुम लोग इंतजार कर रहे थे शायद, तो रेडी हो जो डीमोटिवेट होने के लिए। और मैं भी रेडी हूँ, देखते हैं कब तक जी म्यूजिक कंपनी वाले स्ट्राइक मारते हैं मेरी इस वीडियो पे। तो शुरू करते हैं। जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए ना, सबके सब तेरी तरह ओके मदरफकर, हमेशा तेरी तरह दूसरों की बीट चुरा कर उस पर गाना डाल देते हैं। अब इसको छोड़, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इनकी असलियत दिखा दे और अपना लावा फट के बाहर आंद। नहीं आएगा हिला के सो जा बेटे, तुमसे ना हो पाएगा। उठ जा अपनी नींद से, नशे में तू अफीम के, चद्दर को हटा के दे घंटा भी सर उठाएगा। जी तू गंदी सोच, अलार्म की बात कर रहा हूँ बे। आएगा अपना टाइम नहीं आएगा, मेरे जैसा सुस्ती मारा तो झेना मिल पाएगा, ये बातें चौदने वाला तेरी सपलियां लगवाएगा, हराम का पैसा होगा तू हलाल नहीं कर पाएगा, मेहनत करके पढ़ ले वरना पीछे तू रह जाएगा, फिर तू पैसों को पाने मजदूरी करने जाएगा। किसी का हाथ नहीं था सर पर या फेल हुआ खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत चप्पल में नहीं उतनी थप्पड़ में है, फिर भी लड़का पढ़ता नहीं है क्योंकि गैरत नहीं है, जरूरत यहाँ पढ़ने की ये डिप्रेशन में है, गर्लफ्रेंड के नखरों की और खर्चों की अब आदत सी है, अब तो आदत सी है मुझको इस डिप्रेशन ने ही चपेड़े पड़वाई। क्यों? क्योंकि पापा बोले बेटे तुमसे ना हो पाएगा, तू नल्ला ही तो आया है, क्या नल्ला मर के जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तू नल्ला ही तो आया है, क्या नल्ला मर के जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तू नल्ला ही तो आया है, क्या नल्ला मर के जाएगा, पहले नल्ला ही तो आया था, क्या तू नल्ला मर के जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आज आज ये पार्ट वन था, अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। और आज मैं एक एम रख रहा हूँ लाइक्स का, जो कि मैंने अपने दिल में रखा हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ कभी तुम लोगों ने मेरा एम पूरा किया नहीं लाइक्स का, इसलिए मैंने दिल में रखा हुआ है, जिस दिन मेरा एम पूरा हो गया मैं इसका पार्ट टू बना दूंगा। और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तुम्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, कोई कुछ भी नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ, और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करो, और जिसने बीट बनाई है उसका चैनल भी सब्सक्राइब करो, और जो मेरे साथ था वीडियो में उसका चैनल भी सब्सक्राइब करो, और उसके चैनल पे वो गाने की बिहाइंड द सीन का व्लॉग भी डाल देगा कुछ दिनों में, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेरी बलगम तबीयत यही खत्म होती है, तो आखिर में ये तो बनता है।
से दूर जा लास्ट में पर्वत एक बनवाने की आसमान का सर उठाएगा पानी का अपना डाल पाएगा तेरे जैसा मिल पाएंगे सब लोग दौरा मेरी पेड़ियाँ बिक जाएगा सीधा तुमने बोया है वो उठा ही लोग आएगा सीधा मेरा पाप अब कैसे तुम लोग ऐसा मेरा पाप अगर वो भी सताएगा।